Hello students, welcome back. What are the words that we heard in the last lecture, children? Gross domestic product and gross national product. A small revision of those two different concepts. Gross domestic product, children, talks about whatever those goods and services which are produced in our own country, may be produced by anyone. So the people of India producing in India, children, is India GDP. But at the same time, foreign people producing in India is also India GDP, because they are produced in India. But at the same time, children, if you are talking about the gross national product, so we have got all the goods and services which are produced by a country's factors, wherever they may be produced. So India ke logon ne India mein produce kiya to wo India ka GNP, lekin India ke logon ne bahar jaake produce kiya to wo bhi India ka GNP hota hai. To GDP mein kuch log hamare desh ke andar jo banta hai wo, aur GNP mein hamare desh ke log jo banate hai wo. Clear? Acha, isse रिलेटेड आगे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ. ये ब्रीफ आंसर्स के लिए जनरली नहीं पूछते हैं. एक आता है चलो नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट्स एनएनपी या फिर एनएनआई, और दूसरा आता है चलो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ये दोनों में आपने एक बात नोटिस की रहेगी कि ग्रॉस वर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड, और ग्रॉस वर्ड के जगह पे कौन सा वर्ड आया, नेट. अभी ग्रॉस और नेट के बीच में आपको पता है देयर इज अ सिंपल डिफरेंस चिल्ड्रन, and that difference is the allowance for depreciation. तो जब आप gross में से depreciation को minus कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या रहेगा चलो, वो net product होता है. So gross product, net product. एक होता है domestic, एक होता है national. Domestic है ना हमारे देश का. अभी उसके अंदर चलो x minus m और r minus p करोगे तो क्या बनता है, इट बिकम्स नेशनल प्रोडक्ट. इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया रहेगा और आपको उसमें से नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है आपको, तो आपको बोलता है नेट प्रोडक्ट. अच्छा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो एनडीपी बनेगा. तो एक शॉर्टकट याद रखो, डी का एन बनाना है, यानी डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी रिसीट्स माइनस पेमेंट्स को आप एडजस्ट करते हो. वैसे बच्चे लोग एन को अगर आप, या फिर जी को एन बनाना चाहते हो, ग्रॉस का नेट, तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है. ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन के ऊपर चिल्ड्रन कैन सी वन पैराग्राफ देयर, लेकिन क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ते हो आपको पता है जो भी हमारे फिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, चलो मशीन्स होते हैं, ओके, देन वो जब आप बार बार उसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हो तो उसका जो कंजम्पशन होता है वेयर एंड टेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स नोन एज डेप्रिसिएशन. ठीक है, अभी इस साल आपने मशीन्स का जो वैल्यू दिखाया, नेक्स्ट ईयर आप वही मशीन्स का वैल्यू दिखाओगे तो आपको नेशनल इनकम का गलत फिगर मिलेगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अलाउंस करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए. ठीक है, सो वो डेप्रिसिएशन जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास कौन सा अमाउंट आता है, नेट अमाउंट. क्लियर? अच्छा, नाउ हियर इफ यू जस्ट कम अक्रॉस चिल्ड्रन, दे हैव गिवन वन कंपैरेटिव चार्ट. कैन यू सी दिस फॉर्मूला चिल्ड्रन, नेट नेशनल इनकम, नेट के लिए पहले क्या लेने का बच्चों, ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन. वैसे बच्चों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इधर भी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो बच्चों आपको नेट मिलता है. डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है चिल्ड्रन, ठीक है, यू कैन जस्ट रिफर टू इट. आप सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ोगे बच्चों, ये चाप ये जो टेबल दिया है वो. ठीक है, इफ यू गॉट एनी डाउट्स यू कैन गेट इट क्लियर. ओके, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, ठीक है, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दो अलग अलग प्राइस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है. और दो प्राइसेस होते क्या बच्चे लोग, एक होता है मार्केट प्राइस और दूसरा होता है उसका फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, कि फैक्ट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तुमने कितना खर्चा किया, वो फैक्टर कॉस्ट. और उसका मार्केट प्राइस क्या होगा बच्चे लोग, कि मार्केट में आपने वो प्रोडक्ट कितने में बेचा. जैसे फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट है 50 रुपीज. सपोज लाइक चिल्ड्रन कि अगर हम लोग बात करते हैं, इफ आई गॉट दिस डायरी इन फ्रंट ऑफ मी, मैं बोलता हूं कि लाइक हाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपीज है. अच्छा, तो वो फैक्टर कॉस्ट होगा. बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, इफ आई से कि इसका मार्केट प्राइस 65 रुपीज है, कितना 65, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन आता है. 50 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट हो गया, प्लस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 20 रुपीज टैक्सेस लगा दिए, सो
फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस कितना हो गया 70. फिर गवर्नमेंट बोला चलो स्टेशनरी है थोड़ा सा हम लोग सब्सिडी देते, तो दे गिव अ सब्सिडी ऑफ 5 रुपीज, तो माइनस सब्सिडी कर देंगे हम लोग, तो कितना बचा 65. तो आपने बात नोटिस की 50 रुपीज वॉज अ फैक्टर कॉस्ट और 65 इज द मार्केट प्राइस. तो हमने क्या किया बच्चों लोग, फैक्टर कॉस्ट में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करोगे और सब्सिडीज को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस. सो एज यू कैन सी द फॉर्मूला हियर चिल्ड्रन, आई एम जस्ट शोइंग वन हाईलाइटेड फॉर्मूला. मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट लेने का पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करेंगे. अच्छा लेकिन उल्टा, जैसे कि ये बुक का अभी मैंने आपको क्या बोला, फैक्टर कॉस्ट कितना 50 रुपीज. इमेजिन करना कि आपको दिया हुआ है बच्चे लोग क्या मार्केट प्राइस और आपको फैक्ट्री का कॉस्ट निकालना है, यानी इसका 65 रुपीज दिया हुआ है, आपको 50 रुपीज पे आना है, तो आप क्या करोगे, जो आपने किया था उसको उल्टा करना पड़ेगा. इसका मार्केट प्राइस कितना है 65. एक काम करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने क्या किया था तभी ऐड किया था, अभी आप क्या करोगे माइनस, तो 20 रुपये माइनस हो गए, तो 65 माइनस 20 तो कितना 45. अच्छा सब्सिडीज अभी हमने माइनस किए थे तो अभी आप क्या करोगे ऐड, तो 50. सो इन दैट वे चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस व्हाट्स नोन एज अ फैक्टर. सो मार्केट प्राइस ध्यान रखना ऐसे बच्चों, फैक्ट्री और मार्केट दोनों के बीच में डिफरेंस है. फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जाते वक्त टैक्सेस को ऐड करने का और सब्सिडीज को लेस करने, लेकिन सपोज मार्केट से फैक्ट्री की तरफ रिवर्स आना है तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करोगे और सब्सिडीज को ऐड करो. क्लियर? सो आई थिंक दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव. तो यहाँ पे चलो कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए दिखाई देंगे आपको बहुत सारे. ओके आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. अगर ये फॉर्मूलाज का ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो चलो यहाँ पे. ओके व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस. क्या दिया, ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट. ध्यान रखना कभी भी GNI एट मार्केट प्राइस लिया गया तो इक्वल टू का साइन देके पहले आप क्या करोगे GNI लिखोगे, लेकिन बाजू में फैक्टर कॉस्ट लिखने का. मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट कैसे आता है, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. अच्छा GDP एट मार्केट प्राइस, तो पहले क्या लोगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. अच्छा फिर नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, तो पहले क्या लेने का, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. क्योंकि हर एक में आप बच्चे लोग मार्केट प्राइस डिराइव कर रहे हो ना, तो क्या बोलने का, फैक्ट्री से मार्केट, तो टैक्सेस को ऐड करो सब्सिडीज को माइनस करो, तो सब में वही किया हुआ है. देन वी गॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है पहले लेना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. हाँ लेकिन उल्टा, अगर आपको ये सब का फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए तो रिवर्स आओगे, तो GNI एट फैक्टर कॉस्ट, तो पहले क्या लेने का GNI एट मार्केट प्राइस, अब ये साइंस बदल जाएंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. देन GDP एट फैक्टर कॉस्ट चिल्ड्रन, तो पहले GDP एट मार्केट प्राइस लेना, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो सब्सिडीज को ऐड करो. NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो NDP एट मार्केट प्राइस माइनस IT प्लस S. NNI एट फैक्टर कॉस्ट, तो NNI एट मार्केट प्राइस प्लस IT माइनस IT प्लस S. एंड NNI एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज पहले आप नेट नेशनल इनकम है ना, तो आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले सकते हो और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये देखो ये कौन सा वर्ड है चलो D किसमें कन्वर्ट करना N, D का N कैसे बनता है चलो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करोगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है रिसीट्स माइनस पेमेंट्स. ओके सो दिस फॉर्मूलाज ऑब्वियसली चिल्ड्रन दे माइट आस्क यू फॉर सम ऑब्जेक्टिव पर्पज, ब्रीफ आंसर्स के लिए नहीं आते. क्लियर? ओके नाउ हियर चिल्ड्रन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वी कम अक्रॉस अ पॉइंट दैट्स व्हाट इज रिफर टू एज नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. अब बोले सर क्या होता है, मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना बच्चे लोग, जैसे वी गॉट लाइक समथिंग लाइक GNI GDP NNI NDP, हाँ तो ध्यान रखने का इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते दोनों मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन दे कैन बी वैल्यूड एट करंट प्राइसेस एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेस. ज्यादातर आपको पता है कि करंट प्राइस मतलब चलो आज की कीमत, कॉन्स्टेंट प्राइसेस जो होते हैं बच्चे लोग वो पास्ट से उठाए जाते हैं,
So I will tell you how it is done. Suppose current prices would generally be higher than the constant prices. आज का प्राइस बच्चे लोग पिछले के प्राइसेस से जनरली ज्यादा ही होता है, ठीक है? यू टेल मी चिल्ड्रन कि हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त करते क्या है कि सबसे पहले तो वी सी कि लाइक हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको कैलकुलेट किया. अच्छा, बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विद प्राइस. तो आपको क्या मिलता है? नेशनल इनकम. अभी अज्यूम करना बच्चे लोग कि हमने लास्ट ईयर 10 लाख मेट्रिक टन्स इतना शुगर केन प्रोड्यूस किया था. क्या? शुगर. सपोज 10 लाख मेट्रिक टन, और लास्ट डे बच्चे लोग वो शुगर का प्राइस था सपोज 35 रुपीज. ओके, तो आपको मिलेगा 10 लाख मेट्रिक टन्स मल्टीप्लाई बाय 35, तो आपको मिलेगा शुगर का मनी वैल्यू. अभी इस साल क्या हो गया बच्चे लोग, प्रोडक्शन 10 लाख मेट्रिक टन्स का ही है, लेकिन शक्कर का प्राइस बच लो 35 का कितना हो गया? 40. तो आपको पता है बच्चों, फिर इस साल हमारा मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा दिखने वाला है. लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि एक्चुअली हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है. तो फिर नेशनल इनकम ज्यादा क्यों दिखा? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए थे. तो बच्चों, प्राइसेस बढ़ने के बाद भी अगर और प्राइसेस बढ़ने के बाद अगर आपका नेशनल इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बच्चे लोग कंट्री का ग्रोथ इंडिकेट करेगा? नहीं. ग्रोथ तभी होता है बच्चे लोग जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. तो आप एक काम कर सकते हो कि हम लोग करंट ईयर के प्राइसेस पे, जैसे कि इस साल शुगर का प्राइस कितना है बच्चे लोग? 40 रुपीज है. तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज इस साल हमने जितना शुगर प्रोड्यूस किया है उसको बच्चे लोग हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साल का तुम्हारा शुगर का प्रोडक्शन का मनी वैल्यू मिल जाएगा. लेकिन बच्चे लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग इस साल कितना प्रोड्यूस हुआ है मल्टीप्लाई बाय कोई बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि 2012 में शुगर का प्राइस था सपोज बच्चे लोग अज्यूम करना जस्ट 25 रुपीज. तो आप क्या करोगे, इस साल का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय द प्राइसेस इन द ईयर 2012. सो 10 लाख मेट्रिक टन्स मल्टीप्लाई बाय 25, 10 लाख मेट्रिक टन्स मल्टीप्लाई बाय 40. तो आपको एक्चुअली पता चलता है बच्चे लोग कि नेशनल इनकम में कितना चेंजेस आ गया. अच्छा, और उसे आपको पता चलता है बच्चों लोग कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई कितनी है वो पता चलती है, ठीक है? सो ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करने का आपको एक अंदाजा आता है कि लाइक व्हाट इज द चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी. सो आपको याद रखना है ऐसे बच्चों लोग कि 2020 का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 2020 का प्राइसेस, तो आपको जो आंसर आएगा वो होता है बच्चे लोग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. 2020 का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस ऑफ दैट सेम प्रोडक्ट्स इन द बेस ईयर, बेस ईयर वो गवर्नमेंट सिलेक्ट करते बच्चे लोग, तो वहां पे आपका जो आंसर आएगा बच्चे लोग वो होता है नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस. दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इन्फ्लेशन बुलाते हैं. क्लियर? सो दैट्स द trick that we generally have here to understand what's known as national income at constant price and national income at current prices. Then children, the next concept that they have given here, take example lete yahan pe, to calculate national income concept at constant price, a reference year is selected. Aur is year ko hum log kya bulate hain yahan pe? Base year. Base year bachcho log ek normal year rahega. जैसे तो वहां पे कुछ क्लाइमेटीज जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फेमीन, वॉर, ये सब नहीं होगा, ठीक है? और गवर्नमेंट बच्चों लोग बीच बीच में ये बेस ईयर को रिवाइज करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है? अच्छा, सपोज पहले हम लोग 2004 और 5 के प्राइसेस को बेस ईयर मानते थे. रिसेंटली जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है बच्चों लोग, उन्होंने कौन सा बेस ईयर सिलेक्ट किया हुआ है? 2011-2012. तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि 2020 का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 2020 का प्राइस, तो क्या करंट 2020 का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 2011-12 में जो प्राइसेस थे तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है? सो ऑलमोस्ट लाइक वी अभी इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे हम लोग जीडीपी का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते रहते हैं. क्लियर? होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. हाँ चिल्ड्रन, द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. यू नीड टू पुट देम इन योर ओन वर्ड्स, देन यू अंडरस्टैंड देम बेटर, वी कैन से, ठीक है? ओके, विल जस्ट वाइंड अप विद दिस वन एक्स्ट्रा पॉइंट दैट वी हैव, व्हाट्स कॉल्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड.
अच्छा ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछ लो, इट्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट वी कैन से. ठीक है, सो लेबर और कैपिटल ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था प्रोडक्शन के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्रॉस वैल्यू एडेड. जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बच्चों ग्रॉस वैल्यू एडेड अलग अलग होता है. अच्छा इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, तो ऑलमोस्ट लाइक ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है बच्चों उसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू यू नो, सपोज इफ यू कैन से लाइक दिस कि जब क्लॉथ आया एक टेलर के पास तो उस क्लॉथ का वैल्यू था बच्चों लोग अज्यूम करना 200. उसका शर्ट बनाया गया बच्चों लोग तो शर्ट 500 का दिखता है वहां पे, तो हमने इनपुट कितने का यूज किया है यहाँ पे 200 का, आउटपुट कितने का दिख रहा है 500 का, तो बीच में बच्चों जो 300 रुपए बढ़ाओ का करेगा ऑब्वियसली बच्चों लोग क्या रहेगा, टेलर का मेहनत उसके ऊपर, वो मशीन जो यूज करता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करेगा उसको प्रेस करने के लिए जो आयरन लगता है, ओके फॉर एग्जाम्पल वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आते हैं. अच्छा उसने बटन यूज किए रहेंगे, धागा यूज किया रहेगा बच्चों लोग, ये जो उसने इनपुट डाला है उसमें, ओके उसकी वजह से 200 रुपए का 500 रुपए हो गया, तो आउटपुट का प्राइस कितना है यहाँ पे 500. अच्छा इंटरमीडिएट वैल्यू कितना था 200, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो गया 300 का ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है. ठीक है, सो मोस्टली फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आउटपुट माइनस इनपुट, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो रहेगा आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट. अच्छा देन सपोज हियर वी हैव टू मोर कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड, बट आई थिंक विल बी रनिंग शॉर्ट इन टाइम, बट विल बी एबल टू कवर देम अप इन द कमिंग लेक्चर्स. जैसे बच्चों लोग ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, और भी कुछ पर्सनल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे. और फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन जीडीपी. कौन सा कॉन्सेप्ट है? ग्रीन जीडीपी. सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट लेट. ओके फॉर टूडे वी क्लोज डाउन हियर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड मे बी पॉसिबली वी विल ट्राई टू वाइंड अप विद दिस टॉपिक. तो अपने पहले चार टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे बच्चों का नेक्स्ट लेक्चर तक. ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ता है बच्चों लोग, क्योंकि 17 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोगों को. ठीक है, जब भी आपको लगेगा कि लाइक सर एग्जैक्टली क्या पढ़ू मैं करके, तो कुछ आंसर्स आप पहले से ही पढ़ के रख सकते हो. जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा था, यू कैन स्टडी दैट. ओके डायग्राम्स पढ़ के रख सकते हो. एक क्वेश्चन और था जो मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में पक्का आता है, कौन सा, ट्रेड साइकिल्स या फिर बिजनेस साइकिल्स, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, ये कुछ आंसर्स अगर आप पढ़ के रखोगे तो एग्जाम के लिए आपको आसान जाएगा. या फिर आपने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ के रखा, या फिर व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कुछ आंसर्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस वगैरह. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन विथ मोर कॉन्सेप्ट्स कमिंग अप. टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन.